तो सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। और सीधे हम वाराणसी, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, वहां का रुख कर लेते हैं। प्रीति हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीति, वोट पॉलिटिक्स को परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री ने बदला है और इसका श्रेय उन्होंने पूरी तरह से अपनी सरकार को दिया है। वाराणसी की जनता इस पर क्या राय रखती है? बिल्कुल, इस समय मैं एक बार फिर से वाराणसी की जनता से पूछ लेती हूँ कि उनका क्या कहना है, बताइए कैसा लगा आपको भाषण? हमें बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री, ये बताइए, और भी यहाँ पे लोग हैं, क्या कहेंगे आप? वाराणसी की जनता क्या जो सुनना चाहती थी सुना? देखिए, मोदी जी ने, चूंकि वो काशी के यशस्वी सांसद हैं, सांसद जी ने हम लोग काशीवासियों के अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा कर दी है। आज ये कहकर कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, निश्चित तौर पर हारे हार है, मन के जीते जीत, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी जो हमारे सांसद है, ये हमेशा भारत के गौरव को बढ़ाने की बात करते हैं और राष्ट्रहित की बात करते हैं। गौरव को बढ़ाने, काशी का गौरव सांसद जी ने काफी बढ़ाया, देश का गौरव प्रधानमंत्री। आप क्या कहेंगे? जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, देश में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, तेज रफ्तार से देश का विकास हो रहा है, की रफ्तार से यहाँ पे तरक्की हो रही है, आप क्या कहेंगे? विकास बहुत तेज हुआ है, अगले 5 साल में और तेज होने की संभावना है। विकास बहुत तेज हुआ है, अगले 5 साल और तेज। बिल्कुल बिल्कुल, कोई रुकाव, विकास की गाड़ी रुकेगी नहीं। हम यही कहना चाहें कि काशी के सांसद है, इनको बाबा काशी विश्वनाथ जी का पूरा आशीर्वाद है, इनकी आशीर्वाद से पूरे विश्व में ठीक है। प्रीति आते हैं आपके पास, बात करते हैं और लोग क्या कह रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब जरा बनारस से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिहार। पटना से हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ हैं। रुपेश, पटना में कैसा लगा लोगों को भाषण प्रधानमंत्री का? देखिए, भारत आज जो भी कर रहा है बेस्ट और बिगेस्ट कर रहा है, लेकिन लोगों से ही पूछते हैं कौन सी एक बात जो सबसे अच्छी लगी मोदी जी को, आप उस समय से सुन रही हैं? कि भारत के साथ दुनिया चलने में अपना फायदा देखती है। सबसे भारत चारों तरफ से विकास कर रहा है। कौन सी बात? मोदी जी का जो माइंडसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने आत्मविश्वास को जागृत किया, जिसके वजह से हमारे साइंटिस्ट, रक्षा विशेषज्ञ और औषधि क्षेत्र, इन सारी क्षेत्रों में जो जागृति। कौन सी बात आपको अच्छी लगी? तीसरे टर्म में इंडिया फर्स्ट के लिए काम में, और भी 370 से लेकर राम मंदिर तक की बात हुई, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी अपील की जो प्रधानमंत्री ने कही? प्रधानमंत्री जी ने कहे 370, अभी जो हम लोग के जीते जी 370, और श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, मंदिर बन गया, और भारत तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी, विदेश में भी बेस्ट ऑफ बिगेस्ट। देखिए, पूरा जय श्री राम के नारे लग रहे हैं जी, बेस्ट ऑफ बिगेस्ट, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत हर हर महादेव, विकासशील से विकसित देश का अगले टर्म में 24 से 29 में विकसित देश बनेगा। कौन सी बात अच्छी लगी? विकास की बात अच्छी लगी। और भी देखिए, यहाँ जब मोदी जी जब राम मंदिर की बात कर रहे थे तो बहुत यहाँ भी नारे लगे, लोग बहुत जोश में दिखे। हाँ, बहुत जोश में लगे आज, सबसे अच्छा हम लोग। ठीक है रुपेश, राम मंदिर ओके, राम मंदिर बना। और कौन सी बात अच्छी लगी? ठीक है रुपेश, आते हैं आपके पास, मंदिर की भी बात होगी और उनके दूसरे कामों की भी बात होगी, लेकिन अब एक बड़ी खबर। TV9 के ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, तीसरे टर्म में देश नई ऊंचाई पर जाएगा, आने वाले 5 साल बेहद महत्वपूर्ण है। आज भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, भारत फ्यूचरिस्टिक है, और इसलिए आज जब सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर, आने वाला समय और महत्वपूर्ण है, आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ये सुख जो ऑडियंस यहां बैठा है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले 5 वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष है। इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या न होता, बिग लिप जरूर होता,
और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। शुभम इस वक्त हमारे साथ है। शुभम, तीसरे टर्म में देश नई ऊंचाइयों पर जाएगा, भोपाल की जनता को आने वाले 5 सालों में क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से? देखिए प्रीति, सबसे दिलचस्प बात यही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में, यानी उन्होंने तो मान लिया, उन्हें तो कॉन्फिडेंस है कि उनका तीसरा कार्यकाल होने वाला है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, तीसरी बार भी मोदी सरकार? जी बिल्कुल, भारत के स्वर्णिम इतिहास को अब आगाज मिलने वाला है और अब की बार निसंदेह 400 पार है भारतीय जनता पार्टी। 400 पार तो है, क्लियर है भारतीय जनता पार्टी इस बार तो। क्यों 400 पार है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से? इसका मुद्दा ये है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारी नौसेना है, मेन हम ये देखते हैं कि देश की सुरक्षा, तो उस पर मोदी जी ने काम किया है। पहले के ज़माने में ये होता था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो डेली अटैक हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद ये हुआ है कि आर्मी के लोगों को आदेश नहीं लेना पड़ता है, वो सीधे ठोक देते हैं। जो भी बॉर्डर पे कुछ भी हरकत करता है उन्हें आदेश नहीं लेना पड़ता है, वो सीधे ठोक देते हैं। और आप क्या सोचते हैं? मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनने के लिए तत्पर कर दिया है। आज के समय में मोदी जी एक ब्रांड बन गए हैं जो कि पूरे विश्व में छा गए हैं। आप सर, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पर खुशी है कि हमारे मोदी जी कभी राजनीति में नहीं, राष्ट्रनीति में विश्वास करते हैं। और सर, हमारे मोदी जी हम युवाओं के लिए, उनके हमारे दिल में बहुत प्रेम है, अब की बार हम उन्हीं को लाएंगे मोदी जी को ही। और जो बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार फिर से और 200-400 सीटों से ज़्यादा रहेगा, जिस तरह मोदी जी ने कहा कॉलेज शिक्षा के लिए, तो हम चाहते हैं कि भारत। और इसी के साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री के भाषण की एक और बड़ी बात, टीवी 9 की ग्लोबल समिट में बोले हैं प्रधानमंत्री, भारत में गरीबी एक डिजिट में पहुंच गई है, भारत में खर्च करने की तुलना और बढ़ गई है, गांवों में शहरों के मुकाबले कंजम्पशन बढ़ा है, भारत में गरीबी एक डिजिट पे पहुंच गई है। तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे, किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है। साथियों, भारत में कंजम्पशन को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे नए ट्रेंड का पता चलता है। भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर पर, यानी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। इस डेटा के मुताबिक पिछले एक दशक की तुलना में कंजम्पशन 2.5 गुना बढ़ गया है, यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है। ये भी सामने आया है कि पिछले 10 साल में गांवों में कंजम्पशन शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ा है, यानी गांव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये हमारे उन प्रयासों का परिणाम है जिनका फोकस गांव, गरीब और किसान है।